अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय किचन शादाब एवरग्रीन। आज हमारे किचन में हम सिंधी कढ़ी बना रहे हैं, तो आइए इसका प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आइए हम सिंधी कढ़ी के इंग्रेडिएंट आपको बताते हैं। हमने 3/4 कप बेसन लिया है, इसको छान के रख लिया है, और ये 2 बैंगन है, इसको हमने ऐसे कट करके रख लिया है, ग्रीन बैंगन है ये। ये 2 गाजर है, इसको हमने लंबा लंबा कट करके रख लिया है। शिमला मिर्च है, इसको राउंड राउंड कट कर लिया है। थोड़ी सी फूल गोभी, इसको धो के हमने फूल को काट लिया है। 2 टमाटो को हमने कद्दूकश करके रख लिया है। थोड़ा सा इमली का पल्प लिया है। 2 आलू काट के हमने बड़े बड़े पीस इसको पानी में भिगा के रखा है। प्लस हमें थोड़ा सा हमने ये धनिया के दानों को पीस के हल्का सा कूट के रख लिया है। थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट लिया है। थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली को स्लाइड करके रख लिया है। थोड़ा सा राई है, ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है, इसको भी धो के रख लिया है। थोड़ा नमक है, लाल मिर्ची है, हल्दी है और हींग है। अब आइए हम इसका प्रिपरेशन शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया। अब हम इसमें सब्जियाँ डीप फ्राई करके निकालेंगे। सारी सब्जियों को हम डीप फ्राई करके निकालेंगे। अभी हमने गोभी डाला है। गोभी हमारी फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसमें गाजर फ्राई करेंगे। इसको भी डीप फ्राई करके निकालेंगे। गाजर फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसमें हम बैंगन डाल के फ्राई करेंगे। इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। बैंगन भी फ्राई हो गए, हम इसको भी निकाल रहे हैं। थोड़े अच्छे से ही फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि कढ़ी में ये फ्राई नहीं होंगे, ये इसी टाइम ये जितने फ्राई हो सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से फ्राई करना। अब इसमें हम शिमला मिर्च फ्राई करेंगे। इनको भी फ्राई करके निकाल लेते हैं।
शिमला मिर्च भी फ्राई हो गई है, अब हम इसको भी निकाल रहे हैं। अब इसमें हम आलू फ्राई करेंगे। आलू भी फ्राई हो गए, अब हम इसको भी निकाल रहे हैं। अब इसके बाद हम इसमें प्याज डीप फ्राई करेंगे। बिरयानी की प्याज जैसा ब्राउन। प्याज भी हो गई है, हम इसको भी निकाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। हमने ये चमचे से एक चमचा तेल लेके इसको गरम कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी राई डालेंगे और ये हमने मेथी दाना बारीक पीस लिया था, ये डालेंगे। इसको थोड़ा सा क्रकल होने देंगे। क्रैकल हो रहा है। अब इसमें इसका नाप है, ये एक चमचे से तेल लिया, ये एक चमचे से इतना भर के हम बेसन लेते हैं। अब ये इतना ही बेसन है, ये बेसन डालेंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे डार्क कलर आते तक। इसका ब्राउन कलर आना चाहिए जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, ये भी इसके साथ फ्राई हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा
इस टाइम पे कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है, ये डार्क ब्राउन कलर होना चाहिए। अब इसमें हल्दी और मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे। अब इसमें 4 ग्लास हम पानी डालेंगे। इस पानी में खौलाने देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। इसमें खौल आ रहा है कड़ी में, हम इसमें हींग डालेंगे और ये हमारे 2 टमाटर की प्योरी ये डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम अपनी फ्राई सब्जियां डाल देंगे सब। इमली का पल्प डालेंगे। और इनको 5 मिनट पकाएंगे। दस मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, हमारी वेजिटेबल्स इसमें गल गए अच्छे से। ये रेडी है, हम इसको साइड में करते हैं और बघार की तैयारी करते हैं। हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ये गर्म हो गया, इसमें हम राई डालेंगे। राई क्रैकल हो रहे हैं, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे। इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। Thank you.
बघार रेडी है। हम सिंधी कढ़ी बन के तैयार है, माशाल्लाह बहुत डिलीशियस बनी है। आप भी ट्राई करिए और आपके व्यूज़ बताइए मुझे, और आपके फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो शेयर करिए। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।